नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ की निजामाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां बीती रात थाना निजामाबाद क्षेत्र के बेगपुर खालसा गांव में ट्यूबवेल पर सोए 75 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। तहबरपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर काजी गांव के रहने वाले सत्यदेव मौर्या नित्य की भांति थाना क्षेत्र निजामाबाद स्थित अपने खेत में बने ट्यूबवेल पर सोने जाते थे। कल भी रोज की तरह खेत पर सोने जा चुके थे कि मृतक का छोटा भाई रात खाना लेकर पहुंचा और सत्यदेव को आवाज दिया तो सत्यदेव नहीं उठे। फिर वह भी बगल में बने मचान पर जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया तो वह पुनः आकर भाई को जगाकर खाना दवा खिलाना चाहा, लेकिन भाई आवाज न देने पर भी नहीं जागा तो देखा कि भाई के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है, जिस पर उसको शंका हुई तो उसकी सूचना उसने परिजनों को दिया। मौके पर जाकर लोगों ने देखा तो सत्यदेव की मौत हो चुकी थी और उसका गला सूजा हुआ था। गांव वालों के अनुसार मृतक को किसी जहरीले जंत ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। तो वही घर वालों ने गले में सूजन देकर हत्या की आशंका जाहिर की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही घटना का खुलासा हो पाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। क्या नाम है आपका? सुधाकर मौर्या। क्या हुआ था, घटना कैसे हुई, बताएं कुछ? घटना तक आगा खाना लेके गई थी, खाना खिया के लिए, एक बाद घटना भई। क्या हुआ था, वहाँ पहुँचे तो कैसे पता चला आपको? चाचा गए तो वहाँ पर दवा लेके, तो पता चला कि वो है ही नहीं है। पिताजी थे आपका? हाँ। क्या नाम था उनका? सत्यदेव मौर्य। अच्छा, तो फिर क्या किया? 100 नंबर पर फोन किया गया। फिर समय से आए पुलिस? पुलिस समय से आई, इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स आ गई। तो फिर क्या हुई, लाश को ले गए कहाँ पे? सदर लेके गए पोस्टमार्टम के लिए।